नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम आपको बताएंगे एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। डेटा एंट्री चाहे वो किसी प्रकार का डेटा हो, चाहे किसी कंपनी से रिलेटेड हो, या फिर किसी स्टूडेंट फॉर्म एंट्री से रिलेटेड हो, या फिर किसी अन्य बिजनेस से भी रिलेटेड हो, या फिर किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो जिसका आप डेटा एंट्री करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो कैसे आप करेंगे एक्सेल के अंतर्गत। चाहे आपके पास एक्सेल किसी भी वर्जन का हो, चाहे आपके 2007 हो, चाहे 10 हो, चाहे 13 हो, या फिर उसके आगे का कोई भी वर्जन हो, सब में आप आसानी से डेटा एंट्री को कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सबसिको जी में। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए हमने बताया है आपको कई तरीके, जबकि विंडो दबा करके आर दबाएंगे और एक्सेल ओपन करेंगे। यहाँ से इस तरीके से देखिए हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा, जबकि ये देखिए अभी आपका कुछ इस प्रकार से ओपन हो रहा है, हाफ ओपन हो रहा है, यानी कि ये मैक्सिमाइज ओपन हो रहा है। ऐसे यदि आपका कोई भी एक्सेल ओपन होता है जो विंडोज पूरा फुल स्क्रीन ना होता हो, तो आप विंडो बटन दबा करके अप एरो दबाइएगा, ऐसे फुल हो जाएगा, और डाउन एरो दबाएंगे तो ऐसे छोटा हो जाएगा, राइट एरो दबाएंगे तो देखिए साइड में चला जाएगा, लेफ्ट एरो दबाएंगे देखिए लेफ्ट में हो जाएगा, अप एरो दबाएंगे तो ऐसे फुल हो जाएगा, राइट एरो दबाएंगे तो इधर हो जाएगा, और लेफ्ट दबाएंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, और डाउन एरो दबाएंगे देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। विंडो बटन दबा के चारों एरो को दबाएंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन ओपन होगा कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जबकि हमें क्या करना है कि एक डेटा एंट्री करना, स्टूडेंट फॉर्म एंट्री करना, हमें स्टूडेंट की क्या करना है कि एंट्री करना, उसका कुछ हमें डेटा को क्या करना है, इसमें इंटर करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर से दो लाइन यहां से छोड़ देते हैं, या छोड़ के क्या, फिर हम एक हेडर बना देते हैं। हेडर के लिए हम इन दो सेल को या तीन सेल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट बटन के साथ, या फिर मर्जी है तो आप शिफ्ट के साथ क्या करिए, डाउन एरो दबाइए और फिर शिफ्ट ही दबाए रखे रहिएगा, और राइट एरो को दबाते रहिएगा, जहां तक आपको जाना है आप वहां तक जा सकते हैं लेकर के। ठीक है, जबकि हम यहाँ पे पहले एक टाइटल यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे एक पहले दे देते हैं नंबर, यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके हम यहाँ पे s.n दे देते हैं सीरियल नंबर लिखने के लिए, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम। ठीक है, नेम लिखते हैं, या फिर हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट नेम लिख देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिख देते हैं। ठीक है, फादर्स नेम लिख देते हैं, और उसके बाद फादर्स नेम के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे टैब से यहाँ पे लिख देंगे जेंडर। ठीक है, जेंडर लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस, लिख देंगे यहाँ से एड्रेस, और एड्रेस लिखने के बाद हम इनका यहाँ पे लिख देंगे कोर्स कौन सा है ये लिख देंगे। ठीक है, कोर्स, ठीक है, कोर्स नेम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक, कौन से कोर्स करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इनका क्या नाम है कि और भी जो कुछ लिखना है, या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है ये भी लिख देते हैं, मोबाइल नंबर ऐसे डॉट एन डॉट करके लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ इस तरीके से देखिए एक जो भी हमें जो मतलब डेटा एंट्री में जो भी लेना है स्टूडेंट से, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि उनका नेम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर होगा, एड्रेस होगा, कोर्स नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, और अभी आपको चाहिए ID चाहिए और आधार नंबर चाहिए और भी जो भी चाहिए आप ऐसे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। हम इसे क्या करेंगे, ऐसे लेफ्ट बटन दबा करके सेलेक्ट करेंगे, और इस सीट को हम क्या करेंगे, ऐसे सेट करेंगे। अभी हम ऐसे सेट करने का तरीका आपको बता रहे, कुछ ऐसे भी तरीके बताएंगे जो ऑटोमेटिक सेट होते रहते हैं, यानी कि जो ये आपकी सीट है आप जितना भी बड़ा लिखते जाइए वो ऑटोमेटिक सेट होता जाता है। ठीक है, तो उसको भी बताएंगे, अभी आप ऐसे करिए। ठीक है, या तो फिर हम यहां से लेफ्ट बटन ऐसे आएंगे, ऊपर देखिए एक एरो बन रहा है। ठीक है, इससे हम लेफ्ट बटन को दबा करके ऐसे ड्रैग करेंगे, इस तरीके से देखिए ऐसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे किसी एक को बढ़ाएंगे तो ये कंप्लीट देखिए इस तरीके से आपका बढ़ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, कंप्लीट आपका इस तरीके से ये बढ़ जाएगा जैसे भी आपको बड़ा करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, ये भी आपको बड़ा करना है तो बड़ा कर लेंगे, अपने हिसाब से जो भी करना है कर लेंगे। ठीक है, अब पूरे को जो फिल सीरीज है इसको हम यहाँ से थोड़ा सा क्या करते हैं कि कम करते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके नीचे की तरफ आते हैं इस तरीके से, जहाँ तक हमें डेटा इंटर करना है हम वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देंगे, सेंटर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे चलेंगे क्लिक करके, यहाँ पे जस्ट आप देखेगा होम बटन के में आपको ऑल बॉर्डर का ऑप्शन क्लिक करके
करके आएंगे तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर दिख रहा है, देखिए क्लिक कर देंगे ऑल बॉर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम इन दोनों को यानी कि ये जो ऊपर का हेडर है जो हमने लिखा है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से बड़े हो जाएंगे। बड़ा नहीं करना तो आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल्ड कर लीजिए। और यहाँ पर हम अंडरलाइन को भी दे देंगे, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पर क्या किए, बना दिए, और ये सीट आपको कुछ इस प्रकार से दिख रही है, ठीक है, ये चीज़ है। अब दोस्तों बात ये कि ऊपर यहाँ पे हमें हेडर में देना, तो यहाँ से ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जस्ट ऊपर देखेंगे अलाइनमेंट में आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है, आप क्लिक कर लेंगे, मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिख देंगे हेडिंग में स्टूडेंट, स्टूडेंट फॉर्म इंट्री, ठीक है, स्टूडेंट फॉर्म इंट्री ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से कुछ इस प्रकार लिख देंगे। और फिर बाहर क्लिक करने के बाद आपको पुनः इसी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जस्ट इसी को ऊपर देखेंगे अलाइनमेंट में लिखा है मिडिल अलाइनमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आएंगे तो आइए देखिए आपका इस तरीके से बड़ा हो जाता है। और आप इसको बोल्ड कर लेंगे, और अंडरलाइन भी करना है तो कर सकते हैं, इसमें कोई कलर करना है तो जस्ट इसी के बगल में फिल दिया हुआ है, फिल कलर क्लिक करेंगे, आपको जैसा भी कलर करना फिल करना आप कर लीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और इस वाले नीचे का हेडर जो दिया इसको भी मैं क्या करता हूं कि यहां से सेलेक्ट करता हूं, और सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर क्या करूंगा इसे यहाँ से क्या नाम है कि कोई कलर दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कलर दे दिया, और इसमें जो हमने कलर दिया है नेम का ये येलो दे देते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक, इस तरीके से। अब हमें कोई भी डेटा एंट्री करना है तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, सीरियल नंबर का मतलब जो भी 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएंगे। तो सीरियल नंबर भरने के लिए कितने तरीके होते हैं दोस्तों, मतलब कि आपने बहुत सारा सीरियल नंबर भरने का तरीका सीखा होगा, मैं भी आज बता रहा हूँ, ये भी आप देख लीजिए। जैसे कि आप एक तरीका है कि आप इस तरीके से 1 लिखिए और डाउन एरो से नीचे आइए 2 लिखिए, ठीक है, ये तो नॉर्मली तरीका है। डाउन 1 लिख करके 2 लिख करके फिर दोनों को सेलेक्ट करना है, और यहां पे छोटा सा प्लस बनेगा, और यहां पे पकड़ करके ड्रैग करेंगे तो ऐसे आपका देखिए नंबर फिल होता जाएगा। जहां तक आपको फिल करना है कर लीजिए ड्रैग करके, ये देखिए यहां तक फिल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये भी फिल स्विच का एक तरीका है, या तो फिर आप इनको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप यहां पे 1 लिखिए, 1 लिखने के बाद आप ऐसे पकड़ करके ड्रैग करिए, सब में 1 1 1 आता जाएगा, जहां तक आपको कर लीजिए, ठीक है। और नीचे आके देखेंगे यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा ऑटो फिल का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल सीरीज का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो भी आपका देखिए सीरीज क्या हो जाएगी कि फिल हो जाएगी, नंबर आपके क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। ये भी तरीका है, ठीक है। या तो दोस्तों ये नहीं करना आपको, तो आप सीधे क्या करिए कि 1 लिख लीजिए, और 1 लिखने के बाद आपको जहाँ तक मतलब कि फिल सीरीज करना है वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम चलते हैं, यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे अपने यहाँ पे फिल वाले बटन पे, होम पे क्लिक करके फिल वाले बटन पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे दिया होगा सीरीज, सीरीज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको कॉलम पे क्लिक करना, क्योंकि ये कॉलम बाई कॉलम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कॉलम पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, रो में नहीं जाना है, कॉलम पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्टेप 1 लिखा है, और स्टेप वैल्यू कहाँ तक लेके जाना है, तो यानी कि आपको जितना सीरीज फिल करना, यानी कि आप 100 तक करेंगे तो यहाँ पे 100 टाइप कर लीजिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए तो आपका देखिए जहाँ तक ये आपका सेलेक्ट था वहाँ तक फिल है, आगे आप जाएंगे तो आपका फिल हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। ये भी तरीका आपका फिल सीरीज का है। और एक और तरीका है दोस्तों कि आप यहाँ पे 1 लिखिए और नीचे क्लिक कर लीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आइए तो छोटा सा प्लस बन रहा है, आप कंट्रोल बटन दबाइए, कंट्रोल बटन दबा करके लेफ्ट बटन से माउस को खींचते रहेंगे, आपकी सीरीज फिल होती रहेगी, यानी कि संख्याएँ फिल होती रहेगी। कंट्रोल बटन केवल दबाना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपको ऑटो फिल में जाना है सीरीज में, ना तो आपको यहां फिल में जाना, कहीं नहीं, केवल 1 लिख करके, 1 लिख करके यहां पे क्लिक करके कंट्रोल दबा करके खींचिए सबको, आपका ऑटोमेटिक सीरीज क्या होती रहेगी कि फिल होती रहेगी। और भी तरीके दोस्तों हैं सीरीज को फिल करने के लिए, यहां पर हमने आपको 4 तरीका बता दिया सीरीज को फिल करने का। तो दोस्तों यह आपको बिल्कुल पसंद आया होगा कि यह सीरीज फिल कैसे किया जाता है, नंबर को कैसे फिल किया जाता है। आगे की तरफ हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब हमें किसी का फॉर्म वगैरह मतलब कि इस तरीके से भरना होता, मतलब कि डिटेल्स भरना होता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि भरते हैं स्टूडेंट टाइम में, हम जैसे मान लें कि यहाँ पे राजन लिख देते हैं, राजन, ठीक है, और टैब से अगले में जाएंगे और इनके पिता का नाम जो भी मतलब कि मान लें कि यहाँ पे रमेश है, ठीक है, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 10/2/2000
3 है, ठीक है। और उसके बाद आगे ये जेंडर यानी कि मेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस इनका जो भी है हम यहाँ पे आजमगढ़ डाल देते हैं, AZAMGARH, ठीक है, GARH, ठीक है। उसके बाद कोर्स नेम मान लीजिए कि इनका है ओ लेवल, ठीक है, यहाँ पे हम ओ प्रेस कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लेवल, ठीक है। और इनका जो मोबाइल नंबर है हम यहाँ से क्या करते हैं कि जो भी मोबाइल नंबर है हम फिल कर देते हैं, ठीक है, कोई भी जो मोबाइल नंबर है हम इसे क्या करते हैं कि फिल कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे दोस्तों आप फिल करेंगे तो बड़ा समय लग जाता है पूरा डेटा इस तरीके से फिल करने में आपको, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका संपूर्ण डेटा क्या होगा कि आसानी से फिल हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा फिल करने में, ठीक है। ये चीज़ है, अगर दोस्तों मान लीजिए कि आपको हिंदी लिखना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि डिक्शनरीज हमें हिंदी में फिल करना है या डेटा जो फिल करना है हिंदी में लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे आपके फॉन्ट वाले में, फॉन्ट में जाने के बाद हम यहाँ से हिंदी कर लेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर कृति देव आपको मिल जाएगा, उसके अलावा भी बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, 11 को ले लेंगे। यहाँ पे जो भी डेटा मान लीजिए कि हमें आलोक लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, आलोक, ठीक है। और आगे वाले में जाएंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है कि चेंज हो जा रहा है, देखिए हो जा रहा है ना, यहाँ पे हिंदी है जबकि यहाँ पे जैसे ही आ रहे हैं चेंज हो जा रहा है, हमें यहाँ पे भी हिंदी चाहिए, ठीक है, और नीचे भी सब में जाए तो हिंदी ही आए, सब में जाए तो हिंदी ही आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे जहाँ तक हमको फिल करना है सेलेक्ट कर लेना, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद इसको, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे क्लिक करके, और क्लिक करने जाके हम जाएंगे कृतिदेव पे, जहाँ पे कृतिदेव हमारा था वहाँ पे जाएंगे और सबको क्लिक करके ओके कर देंगे। अब हम किसी में भी जाएंगे टैब दबा करके, देखिए ये चेंज नहीं होगा, आप देख सकते हैं हम किसी में भी जा रहे हैं, देखिए चेंज नहीं हो रहा है। इंटर प्रेस करेंगे, देखिए नीचे वाले में भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि आपको संपूर्ण सीट में हिंदी लिखना, तो जहाँ तक हिंदी लिखना है आप वहाँ तक क्या करिए कि उसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप हिंदी कर दीजिए उसे, ठीक है। और फिर आपके सीट आपकी कभी भी जब दूसरे वाले सेल में जाएंगे तो वो इंग्लिश नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ है, समझ में आया। तो हम इसको क्या करते हैं कि डिलीट कर देते हैं और पूरे को हम यहाँ से लेफ्ट बटन दबा के सेलेक्ट करेंगे एक बार यहाँ से, ठीक है, और हम कर देते हैं इसको इंग्लिश ही कर देते हैं, जहाँ तक जो भी मतलब कि लिखना रहता उस रूप में हम उसे कर देते हैं, ठीक है। आपको हिंदी करना होगा तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, आसानी से आपका हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा तरीका हम बताते हैं आपको कि ऑटोमेटिक फिल करने के लिए, यानी कि हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, यहाँ पर एक फाइल विकल्प में जाना पड़ेगा, फाइल विकल्प में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन का मतलब कि विकल्प गा, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो मिल जाएगी, इसमें आपको कस्टमाइज पे क्लिक कर लेना है। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको कस्टमाइज रिबन का एक विकल्प खुल जाएगा, इसमें क्या करना है कि यहां पे चूज कमांड फॉर्म लिखा हुआ है, नीचे ड्रॉप डाउन बटन यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको आल कमांड पे क्लिक कर देना है। आल कमांड पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें फॉर्म का विकल्प खोजना है, फॉर्म मिलेगा कहाँ पे, ठीक है, तो आप स्क्रॉल करके आएंगे और देखेंगे फॉर्म का विकल्प कहाँ पे है, ठीक है, आप स्क्रॉल करके चलते चले जाएंगे, इसमें आपको एक फॉर्म का विकल्प मिलेगा, ठीक है, देखेंगे इसमें फॉर्म का विकल्प आपको कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, देखिए ये जी हो गया एफ फॉर्म आपका यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसमें ऐड करना, तो ऐड करेंगे तो देखिए ये ऐड नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर न्यू टैब ले लीजिएगा, न्यू टैब ले करके, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्लिक करके आप ऐड कर दीजिएगा, ये आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ओके कर दीजिएगा, ऐसे कुछ क्या करिएगा, ओके कर दीजिएगा, ठीक है, ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको न्यू टैब मिल जाएगा। इस तो हमने पहले से भी यहाँ पे इंसर्ट किया था, देखिए पहले से भी इंसर्ट किया था, एक और आ गया है, हम इसे रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे रिमूव करने का ऑप्शन वहाँ पे देगा जहाँ से हमने इसको इंसर्ट किया था, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जहाँ से मतलब कि आपको डेटा फिल करना है, जहाँ से आपको भरना है वहाँ से आपको लेफ्ट बटन दबा के क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर देखिए क्या नाम है कि यहाँ से नेम से क्या करते हैं कि सेलेक्ट कर लेंगे हेडर को, ये तो हमने पहले से भर दिया इसलिए इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे एक विंडो खुलेगी, इस पे ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद फिर हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमारे सामने एक विंडो खुल जाएगी। हमने आलोक लिखा था, आलोक यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, आलोक, ठीक है, आलोक लिख दिए और उसके बाद टैब दबा करके नीचे आएंगे, पापा का नाम यहां पे हम महेश लिख देते हैं, ठीक है, महेश, ठीक है, और फिर टैब दबा के नीचे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 10/12/06/2001, फिर टैब दबा करके नीचे आएंगे और यहाँ पे जेंडर यहाँ पे हम यहाँ पे मेल लिख देते हैं, ठीक है। टैब दबा करके नीचे आएंगे, एड्रेस यहाँ पे मान लीजिए कि आजमगढ़ ही लिखते हैं, ठीक है, GARH, टैब दबाएंगे और उसके बाद कोर्स यहाँ पर हम ADCA कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी है हम यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। फिल करने के बाद हमें क्या करना है, इंटर प्रेस करना, ऐसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक आपका देखिए यहाँ पे डेटा फिल हो जा रहा है। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पे मनीष, यहाँ पे देखिए मनीष लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या नाम है कि फादर्स नेम यहाँ पे मान लीजिए कि राजन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है मान लीजिए कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 20/8 और उसके बाद यहाँ पे 2006, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर जो भी रखना चाहते हैं, मेल है तो मेल रख लिखेंगे, फीमेल का भरते तो फीमेल लिखते हैं। एड्रेस यहाँ पे हम आजमगढ़ ही दे देते हैं, ठीक है, AZAMGARH, ठीक है। और उसके बाद कोर्स यहाँ पे CCC कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं, जो भी मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, इस तरीके से। और इंटरप्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं गीता, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है कि टैप प्रेस करेंगे, फादर्स नेम मान लीजिए कि यहाँ पे मनोज है, ठीक है, मनोज। और उसके बाद सिर्फ टैप दबाएंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 21/4 और उसके बाद 1997, ठीक है। उसके बाद हम टैब दबा करके नीचे आएंगे, जेंडर में यहाँ पे फीमेल लिखेंगे, ठीक है, फीमेल। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस मान लीजिए कि ये हम लिख देते हैं बिलरिया, बिलरिया गंज, ठीक है, ये आपका इधर ही का है, ठीक है, हमारे तरफ का एरिया है, ठीक है। कोर्स यहाँ पे मान लीजिए कि हम इनका लिख देते हैं ओ लेबल, ठीक है, ओ लेबल, ठीक है, ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है, एल लिखना है, लेवल, ठीक है। उसके बाद टैब प्रेस करना है, मोबाइल नंबर जो भी है इसमें हम फिल कर देते हैं, ठीक है, ऐसे इंटरप्रेस करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी डेटा आसानी से फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से फिल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपने किसी प्रकार का कोई भी डेटा एंट्री हो, आप आसानी से डेटा को एंट्री कर सकते हैं, डेटा को फिल कर सकते हैं, और आपका कुछ इस प्रकार से ये फॉर्म आपका फिल भी हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की के लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि अल्ट डी ओ दबा लेना है, अल्ट डी ओ दबा करके यहाँ पे यस आएगा, इसको ओके कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से फिल होकर के आ जाएगा। आपको फिर अल्ट डब्लू कर देना है, अल्ट डब्लू कर देंगे तो ऐसे न्यू रिकॉर्ड आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे मान लीजिए कि विमल, ठीक है, विमल लिख देते हैं। और टैब से नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या नाम है कि आगे देखेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम है, फादर्स नेम में यहाँ पे हम लिख देते हैं महेश, ठीक है, और महेश। और उसके बाद टैब से नीचे आएंगे और डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पे फिल करेंगे हम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फीमेल, ठीक है, फीमेल। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे मान लीजिए कि AZAMGARH। उसके बाद यहाँ पे कोर्स मान लीजिए कि इनका जो भी है ADCA। और उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी है हम फिल करेंगे ऐसे, ठीक है, और क्या करेंगे कि इंटर करेंगे। तो देख सकते हैं कि ऐसे ही आपका क्या नाम है कि फिल हो रहा है। तो शॉर्टकट की के माध्यम से भी आप ओपन कर सकते हैं, और आप यहाँ पे न्यू टैब में आकर के फॉर्म को भी ओपन कर सकते हैं फाइल में जाने के बाद, ठीक है दोस्तों। अब बात दोस्तों ये आती है कि हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है, हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे। प्रिंट करने के लिए आपको कंट्रोल दबा करके F2 दबा लेना, ऐसे F2 दबाएंगे तो इससे प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रिंट प्रीव्यू में देखिए आपका कट रहा है, यहाँ पर देखिए ये 4 पेज में आ रहा है, जबकि हमें 4 पेज का नहीं चाहिए होता है, ठीक है, एक ही पेज में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्किप की को प्रेस करेंगे और कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और हम चले जाएंगे कहाँ पे, सीधे सीधे जाएंगे व्यू मेनू के अंदर जाएंगे, और व्यू मेनू में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा क्या नाम है कि पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ऐसे दिख रहा है, तो इसको पकड़ करके आपको यहाँ पे इस तरीके से ओके कर लेना है, ऐसे चेक करके, और यहाँ से इसको पकड़ करके इधर कर देना है। और नीचे आएंगे देखिए ये कंप्लीट आपका एक पेज में हो गया है। और अब आपको क्या करना है कि कंट्रोल F2 करके देखना है, तो ये आपका देखिए एक ही सीट में इस तरीके से क्या हो गया है, आपका आ गया है, एक ही सीट यहाँ पर आ गई है। हम इसको बना करके दिखाते हैं आपको क्या नाम है कि PDF। तो यहाँ से हम सेव एज करेंगे, सेव एज करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्लिक करके यहाँ से PDF पे जाएंगे और PDF पे क्लिक कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम डेस्कटॉप ले लेते हैं और डेस्कटॉप पे जा करके ओके कर देते हैं। तो देखेंगे डेटा एंट्री का हमारा एक PDF फॉर्म बन करके आ गया है, हम अपने किसी भी जिसके भी अंडर में हम काम करते हैं उसको हम दे सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कितना खूबसूरत हमारा ये फॉर्म बन करके आ गया है, ठीक है, इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से ये हमारा फॉर्म इस तरीके से के आ जाएगा डेटा एंट्री का, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।